भारत या ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन बनेगा? फैसला आज होगा। फाइनल में नाकाबिले शिकस्त भारत को 5 बार के आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज दरपेश। मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का अगर आप देखें सबसे तगड़ा मैच जिसने इंडिया के साथ खेला है वो ऑस्ट्रेलिया ही है, बट बात यह है कि आज जो जीतेगा वो सजाएगा अपने सर पे वर्ल्ड चैंपियंस का ताज। विराट कोहली और शुभमन गिल जो है कल के मैच में मुझे लगता है कि सेंचुरीज स्कोर करने वाले हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो मुंह तकती रह जाएगी कि ये हो क्या रहा है भाई, मैच में चल क्या रहा है, हम भी खेलने आए हैं या फिर हम भी सिर्फ इनको देखने आए हैं मैच में कि ऐसे खिलाने। टाइम में शमी ने 7 विकेट्स लेके न्यूजीलैंड को बाहर निकाला है। हमें लगता है कि शमी इस बार भी आई थिंक 7 से ज्यादा विकेट्स लेके ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालेगा। वर्ल्ड कप के अंदर थे इंशाल्लाह। बॉलिंग के बारे में मतलब के कुछ लोग तो कहते हैं जी पिच बदल दिया है, बॉल बदल दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, वो अपनी मेहनत से खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। जिस हिसाब से टूर्नामेंट में इंडिया की टीम परफॉर्मेंस कर रही है ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट बनी है इंडिया के लिए, तो हमें लगता है इंडिया जीत जाएगा। इंडिया भाई 2 नंबर ही बिल्कुल नहीं करता, अगर 2 नंबर ही की होती तो ऑस्ट्रेलिया भी क्यों आया, ऑस्ट्रेलिया तो फाइनल में आया ना, ऑस्ट्रेलिया 2 नंबर करके आया मुझे बताएं आप। नहीं तो फिर इंडिया 2 नंबर करके आया। नहीं ये लोगों के दिमाग खराब हो गया सारा, ये जेलसी फैक्टर है, ठीक है, ये जेलसी की वजह से इंडिया पे तंकीद करते हैं जी, इंडिया 2 नंबर से आगे आया तो भाई ऑस्ट्रेलिया आया उसको भी बोलो, उसको बोलो ये था न्यूजीलैंड आया 3रे नंबर पे निकला है तो न्यूजीलैंड को भी बोले, अफ्रीका को बोलो। या असल जो है ना ये उंगली जो है ना ज्यादा पाकिस्तानियों को आई हुई है, मैं आपको जनरल बात बताऊं। नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया जो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है इंडिया के सामने जो टिक सके, तो यकीनन इंडिया ही जीत के मतलब अपने वर्ल्ड कप अपने घर लेकर जाएगी, अपने सॉरी होम ग्राउंड में मौजूद है और वहीं पर ही रखेगी, बाहर जाने ही नहीं देगी। अहमदाबाद में यार भाई कौन पकड़ेगा उसको, इंडिया को कोई नहीं पकड़ेगा, ये कल इंडिया जीतेगी और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। विराट कोहली को अनुष्का सपोर्ट करेगी तो वो मुझे लगता है डबल सेंचुरी बनाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इंडिया की टीम को अभी तक कोई हरा नहीं सकी, कोई भी टीम जितने भी वर्ल्ड कप में मौजूद थी, जितने भी मैचेस हुए इंडिया सबसे नंबर 1 पे रहा है, तो आगे भी वही घर में अपना कप लेके जाने वाला है। वो तो पहले मैच से ही नजर आ रहा था कि इंडिया अपने घर में ही वर्ल्ड कप लेके जाएगा। तो इनकी पैंटें गिली नाना की कल इंडिया ने, इनकी चटनी ना बनाई मार मार के, तो आप मुझसे पूछ लेना फिर इंटरव्यू मैच के बाद इंटरव्यू में। आप तो बड़े इंडिया के फैन हो यार। लो यार इसमें फैन वाली कौन सी बात है मुझे बताएं लोगों, यार एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए प्लेयर इंडिया के पास टैलेंट भी है, इंडिया के पास प्लेयर भी है। दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका एक क्रिकेट प्रेमी को इंतजार होता है। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया फाइनल का महामुकाबला बस शुरू हो चुका है। 5 अक्टूबर को शुरू हुए टूर्नामेंट में 46वें दिन जाकर चैंपियन का फैसला होगा। वहीं भारत की तीसरी ट्रॉफी पर निगाह होगी और टीम लंबे समय से चले आ रहे खिताबी सूखे को खत्म करना चाहेगी, क्योंकि इससे पहले भारत ने 83 और 2011 में वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरी बार फाइनल में आमने सामने होंगी। टीम इंडिया 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला लेने की फिराक में होगी। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया फाइनल काली मिट्टी वाली पिच पर खेला जाएगा। इसी पिच पर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच हुआ था। पिच धीमी रहेगी और स्पिनर को सूट करेगी। भारत के वर्ल्ड कप खिताब जीतने के आसार इस बार काफी नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में एकदम शानदार रहा है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी तो कभी नहीं चाहते हैं कि इंडिया जीते, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है उसकी परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी जनता भी ये कह रही है कि यह वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। जी हाँ, जो जीता वही सिकंदर होगा आज, और सिकंदर कौन बनेगा ये अब चंद घंटों की दूरी पे फैसला है। और आज या तो 1,30,000 का जो स्टेडियम है या तो वो पटाखों और आतिशबाजी से गूंजेगा या फिर उसमें कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस होगी। होगा क्या आज के इस मैच में, सबकी नजरें इस पे लगी हुई हैं और विदाउट एनी डाउट इस टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीमें फाइनल में पहुंची हैं। आप जो मर्जी कहते रहे, ऑस्ट्रेलिया बगैर किसी शक को शुबे के इस टूर्नामेंट की 2nd बेस्ट टीम साबित हुई है, और ऑस्ट्रेलिया ने ये बाकायदा प्रूव किया है अपने, जिस तरह से वीक स्टार्ट जरूर किया उन्होंने लेकिन बहुत स्ट्रांग कम बैक किया, और जिस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया है और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मेरे ख्याल में कमाल, जबरदस्त, और फिर वो परफेक्शन नजर आई है उनके हर चीज से, और उस तरह से उन्होंने फिर दिखाया भी नहीं है। वो हारे जरूर हैं लेकिन वो जिस तरह से हारे हैं उससे बढ़कर वो जैसे जीते हैं वो उनके लिए बड़ा जो है वो जिसको आप कहते हैं कि मोरल बूस्टिंग साबित हुआ है, और उनकी टीम बड़े जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक उसने किया। तो इंडिया तो आपको पता है ही अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल सो फार
एक्सीलेंट क्रिकेट दे हैव प्लेड, तो दोनों के दरमियान एक तगड़े और जबरदस्त फाइनल की तवक्को है। देखिए हम न्यूट्रल जो व्यूअरशिप है ना, जैसे हम लोग क्रिकेट के दिलदादा हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर इंडिया जीतेगा, और मेरे ख्याल में वो डिजर्व भी करती है टीम इंडिया इस मैच को जीतना। लेकिन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया भी अगर टफ टाइम देता है, एक तगड़ा मैच, क्लोजिंग फिनिश देखने को मिलती है, तो मैच का पैसा वसूल भी होता है ना सर। फिर इंडिया को 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने बाहर निकाला था, वर्ल्ड कप हराया था, लेकिन कल 2023 में इंडिया दोबारा अपना बदला लेने जा रही है ऑस्ट्रेलिया से। क्या लगता है कल के मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल करने वाली है? इंडिया की टीम को अभी तक कोई हरा नहीं सकी, कोई भी टीम जितने भी वर्ल्ड कप में मौजूद थी, जितने भी मैचेस हुए, इंडिया सबसे नंबर वन पे रहा है। तो आगे भी वही घर में अपना कप लेके जाने वाला है, वो तो पहले मैच से ही नजर आ रहा था कि इंडिया अपने घर में ही वर्ल्ड कप लेके जाएगा। तो जैसे उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, इन्होंने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस किया, रिकॉर्ड बनाए हैं, कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल करेंगे? जी बिल्कुल, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, मुझे लगता है सेंचुरीज में अपने स्कोर करने वाले हैं, और ये विकेट्स भी जो है, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा रिकॉर्ड बना पाएगा विकेट लेने का। मुझे लगता है कि इंडिया का जो बॉलर्स हैं, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा अगर इंडिया कोई हैंकी पैंकी नहीं करता, क्योंकि आपने देखा सेमीफाइनल में भी उन्होंने हैंकी पैंकी की। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो उनका स्क्वाड है, वो जो है स्ट्रॉन्गर, वो जीत जाएंगे। सर जैसे आप बात कर रहे हैं हैंकी पैंकी, आप कह रहे हैं वसीम अकरम ने बकायदा इसके ऊपर खुद ट्वीट किया, बात की है, वो पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर है, उन्होंने कहा कि इंडिया अपनी मेहनत से आगे आया, मेहनत से जीत रहा है, आप कह रहे हैं हैंकी पैंकी होगी? नहीं देखिए, वो तो उनकी उनका ओपिनियन है ना, आप देखें ट्विटर पे टॉप 10 बना हुआ है कि उन्होंने पिच भी चेंज किया, उसके साथ जो उन्होंने टॉस किया वो भी आपने देखा खुद मीडिया से, तो वो कहां पे गिरा जाएगी, वो सारा टॉप 10 बन चुका है। तो इसके बाद वो तो वसीम अकरम का अपना ओपिनियन है कि वो अपनी मेहनत से है, तो मैं भी ऐसे कह सकता हूं अपनी मेहनत से है, लेकिन उन्होंने हैंकी पैंकी तो की है। अगर वो नहीं करते तो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड मजबूत है, वो जीत जाएगा। हमें तो लगता है कि धोबी पे चार धोएगी इंडिया, हमें यही लगता है, क्योंकि ओवरऑल आप देख सकते हैं कि सारे मैचेस में इंडिया ही जीत रहा है, एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें वो हारा ना हो, तो उम्मीद यही है कि वो जीतेगा। कल के मैच में क्या होगा? कल रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, विराट कोहली, उन्होंने अपने रिकॉर्ड बनाया है, कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल करेंगे? तीनों बहुत होएगा, बहुत होएगा। हम मैं ये कहना नहीं चाहती, बट वो बहुत अच्छी टीम है, इंडियन बहुत अच्छी टीम है। आज मुझे लगता है इंडिया बाइस्ड हो रहा है, क्योंकि मैचेस सारे इंडिया में हो रहे हैं, तो दिस कुड बी द रीजन के इंडिया ही लेके जाएगा, अब तक तो वही जीत रहा है। अब किसको जितवा रहे हैं? यार जाहिर सी बात है इंडिया ने जीतना है, अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा टफ टाइम देने वाली टीम है, 5 दफा वर्ल्ड कप ले गई है। अब बात करें इंडिया की, कोई मैच नहीं हारा, अब तो सर पकड़ के बैठे हुए हैं यार, कल क्या होगा? कल वैसे चांस इंडिया के, इंडिया की बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ठीक है। मैक्सवेल की बात करें यार, स्निचर स्कोर लास्ट में मारा, फिर 0 पे आउट हो गया। हमें तो परफॉर्मेंस अच्छी देगा मैक्सवेल, लंगड़ी टांगों से 210 का स्कोर मारा है, फिर सही टांगों से 0 पे आउट हो गया, समझ नहीं लगी ये सीन हुआ क्या। दो नंबर ही करते इंडिया यार, इंडिया दो नंबर ही नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। देखो अपनी परफॉर्मेंस जो है ना, वो एक नंबर है उनकी, उनके बॉलर देख लो, बैट्समैन देख लो, मेहनत करते हैं, टाइम अगर मिसाल के तौर पे 8 घंटे की रेसल्स है ना, तो भाई हम 16-16 घंटे करते हैं, उनके बाजुओं में मशीनें लग गई हैं, हाथों में मशीनें लग गई हैं, मशीन गन्स हैं उनके पास, मशीन गन्स हैं। जब वो बॉल करता है ना सिराज, और भाई बॉल में से आग निकलती है, कल तो मैं डर है विकेटें टूटेंगी, बल्ले टूटेंगे, भी टूटेंगी, क्योंकि भाई कल बड़ा लेवल का मैच है। अब यार एक रुत बदली हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इंडियंस के फैन बड़े हो चुके हैं, इंडियन टीम के, क्या वजह? यार देखो जरूरी है, कल मैं इंटरव्यू में कह रहा था मेरा तन मन धन सब इंडिया पे फिदा है। यार देखो तन मन धन मेरा भी फिदा है यार, क्योंकि इंडिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रहा है, देखो ने हिस्ट्री कायम कर ली है, 10 मैच लगातार जीते, कोई मैच नहीं हारा, और उनपे तनकीद होने लग गई है कि यार इनकी बॉल में स्प्रिंग है, बैट में स्प्रिंग है, इनका जो DSLR कैमरा सिस्टम है वो 2 नंबर करता है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया अपनी मेहनत से आगे आया है, और लोग उन पर तनकीद करना शुरू हो गया, भाई इंडिया इसमें सबका बाप बना हुआ है, आपको पता है शुभमन गिल पहले नंबर पे आ गया, क्योंकि इंडिया 2 नंबर ही करता है, इंडिया भाई 2 नंबर ही बिल्कुल नहीं करता, अगर 2 नंबर ही की होती तो ऑस्ट्रेलिया भी क्यों आया, ऑस्ट्रेलिया तो फाइनल में आया ना, ऑस्ट्रेलिया 2 नंबर करके आया, मुझे बताया। इंडिया को इस टाइम कोई पकड़ने वाला नहीं है, इंडिया को बिल्कुल कोई पकड़ने वाला नहीं है, इंडिया मतलब के बस वो निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है सबसे, अब पकड़ के मतलब के पकड़ने वाला कोई है तो वो खुद ही इंडिया है, वो अपने आप को खुद ही पकड़ सकते हैं, वैसे उनको पकड़ने का यार मैं कहता हूँ कोई चांस ही नहीं है। आप देखें ना कैसी फॉर्म में वो लेके जा रहे हैं अपने।